ऑल राइट, सो आई गाइस, कैसे हो आप सब। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ओपन बुक एग्जामिनेशन हो तो जाएंगे, बट उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में बता दो। आई नो कि एग्जाम्स अभी दूर पड़े हैं, अभी आपके जनवरी का मंथ चल रहा है एंड आपके एग्जाम ऑलमोस्ट मार्च के अंदर है, ठीक है। लाइक स्टिल वन एंड हाफ मंथ स्टिल पेंडिंग है, बट फिर भी आप बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार बता दो। लाइक हम फर्स्ट सबसे पहले बार दे रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं है ओपन बुक एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से होगी, तो एक छोटी सी गाइड वीडियो बता दो। तो आई थॉट कि यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सो हियर्स द वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार, फटाफट करो एंड 3000 सब्सक्राइबर्स को फटाफट टच करते हैं एंड बढ़ते हैं इसी के साथ आज की वीडियो में। तो यार देखो, सिंपली आपको क्या करना है, जब आपके पास रोल नंबर्स एंड एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, लाइक टीचर्स आपको असाइन कर देंगे आपके रोल नंबर्स वगैरह, एनरोलमेंट नंबर्स वगैरह, तो आपको सिंपली OBE के पोर्टल पे जाना है। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है DU OBE पोर्टल, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी OBE पोर्टल लिखोगे, सबसे ऊपर लिखा आएगा DU OBE पोर्टल, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। उस पर क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स फिल करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक आपका नेम आ जाएगा, आपका कॉलेज नेम आ जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन नेम आ जाएगा एंड एज सच थोड़ा बहुत एनरोलमेंट नंबर वगैरह, ये चीज़ें होगी, बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होगी। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक यूज़र नेम आ जाएगा एंड आपको पासवर्ड सेट करना होगा। जैसे आप पासवर्ड सेट करोगे तो आपके पास यूज़र नेम हो जाएगा जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर होता है, एंड नंबर टू थिंग इज पासवर्ड जो आप खुद सेट करोगे। दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है OBE पोर्टल पे। अब एक्चुअल में ये काम कब आएगा, जब आपके एग्जाम्स हो गए ओपन बुक एग्जामिनेशन, तब आपको OBE पोर्टल पर लॉगिन करना है एंड यू नीड टू फिल द एनरोलमेंट नंबर या फिर कॉलेज नंबर या फिर यूज़र नेम जो भी आपने सेट किया था एंड उसका पासवर्ड फिल करना है। जैसे ही आप फिल करोगे तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना बिकॉज आप रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। एंड एक चीज़ और, अभी मत करना कुछ जब तक ऑफिशियल गाइडलाइंस ना आए कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, अभी कुछ नहीं करना आपको। जब आपके पास ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाए उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आपको ID पासवर्ड फिल करना है एंड जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर आपने कोर्स पहले सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स दिखा देंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एंड उसकी रिगार्डिंग फीस भी दिखा देंगे आपको कि इस सब्जेक्ट की इतनी फीस है एग्जामिनेशन की, सारी टोटल नीचे आपको पे करनी होगी एंड जनरली ये अराउंड करती है 500 से 1000 के बीच में जनरली ये होती है। तो आपको वो पे करनी है फीस एंड देन उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसको डाउनलोड कर सकते हो और जब एग्जाम होंगे तब आपको फिर से लॉगिन करना है सेम ID पासवर्ड से एंड देन जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम है, उस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक लंबा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसके अंदर आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, लाइक 6 क्वेश्चंस के लिए अपलोड करने के लिए जगह होगी, ठीक है। एंड सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एग्जाम को। जैसे डाउनलोड करोगे अपने एग्जाम, आपको एग्जाम आ जाएगा एंड आप आंसर्स लिखने के बाद आपको स्कैन करना है उन आंसर्स को एंड जैसे स्कैन करोगे उसके बाद आपको फिर से पोर्टल पे आना है एंड वहाँ पर क्वेश्चंस के मार्क्स, क्वेश्चन के नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया उस क्वेश्चन में जाके आप अपलोड कर सकते हो। सिंपली अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड पे क्लिक करो एंड अपनी PDF उसमें डाल दो एंड दैट्स इट। जैसे ही 6 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से किसी भी 4 को अटेम्प्ट करना होता है एंड फिर 4 को अटेम्प्ट करने के बाद नीचे कुछ डिक्लेरेशन होता है, उस पर टिक करके एंड सक्सेसफुली सबमिट कर दो। जैसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपका एग्जाम तो आपके पास एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड मेल ID पर आपके पास मेल आ जाएगी कि यू हैव सबमिटेड योर एग्जामिनेशन एंड उसमें ये भी बता दिया जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा नहीं किया। सो दैट्स इट। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट और यू डिडंट अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, वेदर इट्स रिलेटेड टू बोर्ड्स और JEE NEET, if you are facing any problem while studying, then Philo app is the solution. Clear all your doubts anytime just by doing 3 easy steps. First of all, download this app from the Play Store or App Store. This is the first step, and after downloading this app from the Play Store, just sign in by putting your 10-digit mobile number in the app and you would get login into the app. And just after the second step, just scan your query which you want to ask from the tutor and upload it on the app and submit it. Within 60 seconds, Philo will get connected you live with the tutor and you would get the answers. As you are seeing in the video, the tutor is explaining each and every concept which you have asked from him and he will clarify your every doubt. So what are you waiting for? Go and download this amazing app. Link is given in the description box and get your problem solved within 60 seconds.
Use my referral code to get 10% discount. Link is given in the description box. Check it now. And अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक ऑफिशियली कॉलेज की तरफ से मेल नहीं आती कि आप जाके अपने ओबी पोर्टल पर रजिस्टर कर दो, तो तब तक रजिस्टर मत करना। एंड अभी फरवरी के अंदर शायद ये अपडेट आएगी, तो तब एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर आ जाएगी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है बिना कोई गलती, उस पर वीडियो मैं ले आऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि कोई भी किसी को डाउट हो तो उनका डाउट ये क्लियर हो जाए। एंड ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी होगा एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, एंड आप इजीली सबमिट वगैरह भी कर दोगे, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। और भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली उस पर ले आऊँगा वीडियो। एंड पर उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐसे यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल वीडियोस देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके बिल्कुल भी पैसे लगने नहीं वाले एंड मुझे खुशी मिलती है जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हो, तो यार इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो साइड में दो वीडियोस दिख रही होगी, अगर नहीं देखी तो जाके एक वीडियो देख सकते हो, एंड सेंटर में चैनल का सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।